एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हसायन में स्थित गंगापुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर है। लगभग 5000 की आबादी व 1500 वोटरों द्वारा देवेंद्र कुमार सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 428 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 6 हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 50 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 2 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 225 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। थाना हसायन, तहसील सिकंदराव, जिला हाथरस का रहने वाला हूँ। अपने गांव में जो विकास कराए हैं, जनेश मित्र में सीसी रोड कराया, गांव में 1 किलोमीटर जो है नाली बनवाई और एक राजकीय स्कूल बनवाया और तो एक नगला पॉपी गांव पड़ता है उसमें इंटरलॉक कराई और करीबन 225 शौचालय बनवाए। सबसे बड़ी समस्या 1-2.5 किलोमीटर का रास्ता जाता है, उससे 4 गांव जुड़ते हैं, वो हमारी मांगे हैं। और 3 गांव जो उनमें नाली, इंटरलॉकिंग, लाइट की व्यवस्थाएं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे बड़ी समस्या है पानी की, जो 3 गांव खारे उसमें नमकपन पानी पे आते हैं, जो हमारे यहाँ एक पानी की टंकी की व्यवस्था होनी चाहिए। शमशान घाट हैं 4 गाँवों में और न हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था है और न पंचायत घर है। इससे मैं सरकार से अपने से मांग रखता हूँ, मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो। मेरी पंचायत सबसे बड़ी पंचायत पड़ती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। विकास का पैसा जो आता है वो बहुत कम आता है, ज़्यादा पैसा आए तभी मैं अपनी उसमें पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा दूँगा।